Welcome back to our channel, guys. Once again, keep on dreaming में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो फिर से एक बार हमारा बिजनेस ट्रिप प्लान हुआ है और अब जो बिजनेस ट्रिप प्लान हुआ है वन ऑफ द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ इंडिया केरला। तो सारा कुछ मीटिंग्स वर्किंग एक्सप्लोरेशन वहाँ पे क्या करना है कहाँ घूमना है सब कुछ फुल प्रूफ प्लान और हमारा बैग बन के रेडी है। तो लेट्स गो टू आवर जर्नी। ओ साइरा, तो थाने से गाड़ी पकड़ने वाले हैं हम। ये गाड़ी है गरीब रथ और इस गरीब रथ के साथ अमीर वाला सफ़र हम करेंगे। थर्ड एसी का टिकट बुक है हमारा, एंटर करते हैं। तो ये कुछ ऐसा है अंदर वाला माहौल और ये है हमारे इस सफ़र के हम सफ़र। पहली जर्नी से आप इनको जानते ही होंगे, रविराज इस सीट पे राज करते हुए हमारा ये सफर शुरू करेंगे। थाने से हमने ये गाड़ी पकड़ ली है और थाने से एक्चुअली ये गाड़ी आई है लोकमान्य तिलक टर्मिनल से और इसका लास्ट स्टॉप है कोच्चि में, बट हम उतरेंगे एर्नाकुलम टाउन में और वहाँ से हमारी ये ट्रिप बिजनेस मीटिंग्स एंड ऑल दैट एवरीथिंग जो प्लान अप है वो वहीं से शुरू होगा। तो इस थर्ड क्लास एसी के साथ गरीब रथ में अमीरों वाला सफ़र करते हुए हम जाएंगे केरला। खाना पीना स्टार्ट हो गया। You got everybody on the line, yeah. Always on your phone, I get fed up sometimes. Always something running on your mind. फाइनली हम लोग एर्नाकुलम स्टेशन पे पहुंच गए हैं और केरला की सेंट्रलाइज प्लेस है। वर्किंग के अलावा जो भी एक्सप्लोरेशन करना है हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। हमारी गाड़ी हमें छोड़ के निकल गई है, तो थैंक्स गरीब रथ और यहाँ से हमारे स्वागत के लिए। बारिश भी ज़ोरदार चालू है कब से, तो इस बारिश में हम अभी है एर्नाकुलम स्टेशन पे। यहाँ से बारिश के साथ मस्त वाला आराम थोड़ा यहाँ का यहाँ पे करेंगे। बाहर जैसे ही ड्राइवर का कॉल आता है गाड़ी आती है तो गाड़ी के लिए निकलेंगे और जस्ट स्टार्ट विद आवर जर्नी विद वंडरफुल नेचर इन गॉड्स ओन कंट्री केरला। राइट नाउ वी आर इन कोच्चि। गाइस फाइनली हम हमारे
होटल में आ गए हैं और ये है कुछ होटल इंपीरियल रीजेंसी का माहौल। ये आपको बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी सिटी में जाते हैं वहाँ पे सिटी का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ के जो होटल्स हैं वो कैसे होते हैं। तो कुछ इस तरह का होटल हमने लिया है जो हमें गो आई वी गो पे बहुत ही चीप ऑफर में मिला है। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, राइट नाउ यहाँ पे सीजन्स चल रहे हैं तो सीजन्स के हिसाब से ऑफर्स भी बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं। तो यह है कुछ होटल का इंटरनल सिनारियो और ये है हमारा रूम जहाँ पे हमने ऑलरेडी चेक इन कर लिया है और ये है यहाँ के हमारे ओम साईराम वाले फ्रेंड जो चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये है कुछ हमारा रूम फुल फर्निश के साथ, सारा कुछ परफेक्टली मेंटेन। और यह है सबसे इम्पोर्टेंट रूम, रेस्ट रूम के नाम से जाना जाता है और ये कुछ स्टोरेज के लिए। सो ये हमारा पूरा हमारा डीलक्स है। सो इस आलीशान माहौल के साथ रेस्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे आने के बाद आराम करना है, आराम करने का सोच रहे थे बट आराम कुछ होगा नहीं अभी क्योंकि बारिश के जाने के बाद जो माहौल आप देख रहे हो इतना वंडरफुल हुआ है। तो इस वंडरफुल माहौल में थोड़ा बहुत लोकल सिटी को एक्सप्लोर करने हम निकले थे। तो ये कुछ है सिटी का माहौल। तो इस कोची सिटी में मेट्रो के चालू होने के बाद बहुत ही अच्छा एक्सेस मिला इस सिटी को। तो राइट नाउ हम लोग हैं ये एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के बाजू में ही हमारा होटल है। सारे जो प्लेसेस हमको घूमने हैं उनका इजीली एक्सेस इस मेट्रो स्टेशन से हमें होने वाला है और नीट एंड क्लीन चारों तरफ वाला माहौल। ट्वेंटी फोर आवर की जर्नी लेने के बाद सोचा था आके रेस्ट लेंगे बट वैसा कुछ किया नहीं क्योंकि हैपनिंग वेदर है। जो बारिश अभी रुकी है तो जो बारिश के रुकने के बाद जो हैपनिंग वेदर यहाँ पे हमको दिख रहा है वो हैपनिंग वेदर का लुफ्त उठाते हुए हम लोग थोड़ा बहुत साउथ इंडियन स्टाइल का नाश्ता करेंगे और धीरे धीरे और भी टाइम बाकी है, एंजॉय करना है। अभी तो आए हैं और बहुत कुछ घूमना है तो बने रहिए। तो सारा कुछ अभी तक कुछ किया ही नहीं है बट आने के बाद छोटा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा सा रेस्ट करने के बाद थोड़ी भूख लगी है। तो यहाँ पे सरवना सरवना भवन पीछे लिखा है सरवना भवन, यहाँ पे इसका स्पेशलिटी इसके पास साउथ इंडियन फूड अड्डी पुल अड्डी पुल मतलब ए वन वाला फूड हम यहाँ पे खाएंगे। और देखते हैं हमारे यहाँ के ओम साईराम वाले दोस्त सैनिटाइजर आ गए। ये सैनिटाइजर से हम पहला इंटरनल बॉडी हम साफ करेंगे। ये सैनिटाइजर नहीं है, ये केशर युक्त गर्म पानी है। केरला में जो अपना आयुर्वेद है आयुर्वेद को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है और ये आयुर्वेदिक विद इसमें मतलब फुल औषधि द्वारा ड्रिंक
वाटर बेस में आपको पीना है। एक्चुअली रवि कौन सा वाटर वो आता है बॉम्बे में? वॉर्म वाटर का पैड अभी चल रहा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज क्रिकेटर्स बहुत सारे स्पोर्ट्स जो वॉर्म वाटर पीते हैं, ये फ्री वाला वॉर्म वाटर यहाँ पे सर्व किया जाता है। केरला में आने के बाद आयुर्वेद का महत्व बहुत बढ़ जाता है और आयुर्वेद की शुरुआत और यहाँ पे लोकलाइट्स जो फॉलो करते हैं तो उसी फॉलोअप के साथ सारा कुछ ट्रीटमेंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं और उसका यहाँ पे आनंद लेने वाले हैं। तो अभी हमने एकदम बेसिक नॉर्मल फूड यहाँ पे ऑर्डर किया है। हमारे जो सुनील जी है यहाँ पे लोकलाइट हैं, ये भी बॉम्बे से है बट अभी यहाँ के आ गए, मतलब यहाँ के हो गए और यहाँ से बॉम्बे जाने का इतना विचार नहीं, और इन्हीं के साथ हमको काम भी करना है और इन्जॉय भी करना है। प्लीज़ इन्जॉय के देखिए, आज का ये पहला दिन हम बहुत अच्छे से इन्जॉय करेंगे। पहला दिन भी नहीं, आधा दिन तो हमारा ट्रेन में गया है और बच्चा कुछ आधा दिन हम उसको अच्छे से खा पी के इन्जॉय करेंगे। कल काम होगा, एंजॉय होगा, कल बहुत सारा काम है तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थके नहीं है बट आज यही पे स्टॉप करते हैं और कल का दिन, हाँ कल का दूसरा दिन नई शुरुआत नए मॉर्निंग के साथ अच्छे से करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप लविंग बोलेंगे तो जाने से पहले तो ये ऐसा है कुछ, कीप वॉचिंग कीप लविंग एंड ऑलवेज कीप ऑन ड्रीमिंग वाला सीन। टिल देन कड़क अच्छा बनाया, एकदम कड़क नहीं नहीं, यहाँ तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फ्रेश व्लॉग, फ्रेश मॉर्निंग व्लॉग, केरला को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। टिल देन जी कीप लविंग, keep watching and always keep watching. Om Sai Ram. Baba. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Boom, 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 boom,